दोस्तों आज हम आए हुए हैं शहर मैसूर के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ वली कामिल हज़रत मंसूर शाह दीवान रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर। ये मज़ार शरीफ जो है ये मैसूर पैलेस के ग्राउंड के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे इलाके में ये एकमात्र और वाहिद इस्लामी शनाख्त की चीज़ है जो कि यहाँ पे मौजूद है, मंसूर शाह दीवान रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार। इनकी मुकम्मल हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या तारीख़ है। कहा जाता है कि ये यहाँ के जो राजा थे उस राजा के फ़ौज के अंदर थे और उसमें दीवान थे उनके वो, और उनके बाद इनकी विलायत ज़ाहिर हुई तो उनको एक अलग जगह दे दिया गया, चिल्ला कशी के लिए एक अलग मकाम दे दिया गया कि आप यहीं पे इबादत वगैरह करें, जो भी करना है जिक्र वगैरह करना है तो यहीं पे करें। उनका फिर यहीं पे पहले से ये बाजू में है, ये उसका ग्राउंड दिख रहा है आपको, दीवार दिख रही है आपको किले की, मैसूर पैलेस के किले की, और ये उनके अंदर ही ये मज़ार शरीफ है जिसको नहायत ही संभाल करके और बड़े उसको अहतमाम से इंतज़ाम के साथ रखा गया है। तो आइए आपको इस मज़ार शरीफ की ज़्यारत कराता हूँ। और ख़ास बात इसकी ये है दोस्तों, ख़ास बात ये है कि दशहरे के टाइम पर जितने भी हाथी मैसूर में आते हैं वो तमाम हाथी पहले यहाँ पर आकर के सलामी देते हैं, वो उस दरवाज़े पे खड़ा किया जाता है, वो सलामी देते हैं, उसके बाद ही सारे हाथी जो है दशहरे के अंदर जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि मैसूर दशहरे का हाथी पहले हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को सलामी देता है, उसके बाद दशहरे के जुलूस में शामिल होता है, दशहरे के जुलूस में जाता है। ये हिंदू मुसलमान के भाईचारे की भी एक बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे लोगों को इससे सीखने की ज़रूरत है। तो आइए उनके मज़ार शरीफ की ज़्यारत करें।